बहकी सभी जुबा है, हम हैं हजारों में, अब की कमी जरा है, हर चीज खास है, अब है जो है वो समा है, तुम रह सके तो रबा है, अब है जो है वो समा है, तुम रह सके ऐसी जीत, अब चाहे जिंदगी ऐसी जीत, अब चाहे जिंदगी है। हेलो गाइस, वेलकम टू माय फर्स्ट ब्लॉग। और गाइस, इस ब्लॉग में मैं काफ़ी ज़्यादा नर्वस और एक्साइटेड भी हूँ, क्योंकि यह मेरी लाइफ का फर्स्ट ब्लॉग है और मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं ऐसा क्या करूँ इस ब्लॉग में जो आप सभी को पसंद आए। हालांकि मैं यह भी जानता हूँ कि मैं अपने पहले ब्लॉग से आप सभी के दिलों को नहीं जीत सकता, इसके लिए मुझे थोड़ा वक्त चाहिए और एक मौका। और मैं जानता हूं कि आप सभी लोग हमें थोड़ा वक्त दोगे और एक मौका दोगे, और मैं आशा करता हूं कि मैं आने वाले समय के साथ साथ आप सभी को ऐसा ऐसा ब्लॉग दूंगा जो आप सभी के दिलों को डेफिनेटली ही जीत लेगा। और ये मैं फुल कॉन्फिडेंस के साथ कहता हूं, क्योंकि मुझे खुद पे भरोसा है कि मैं यह काम कर सकता हूँ। तो चलिए, इस ब्लॉग में मैं आप सभी को अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ कि मैं कौन हूँ, कहाँ से हूँ और क्या करता हूँ, ताकि आप सभी लोग हमसे थोड़ा और क्लोज हो सको। तो चलिए, चलते हम लोग अपने अगले लोकेशन पे। तो सो गाइस, यहाँ से हमारा ब्लॉग हो जाता है स्टार्ट और मैं अभी भी कोई अच्छा सा लोकेशन ढूंढ रहा हूँ जहाँ पर बैठकर मैं आप सभी को अपने बारे में सब कुछ बता सकूँ। और अभी मैं अपने घर से थोड़ा दूर आकर ब्लॉग शूट कर रहा हूँ, और हम लोग जिस काम के लिए आए थे एक अच्छा सा लोकेशन ढूंढने के लिए, वो मुझे मिल चुका है, वो इस तरफ है। तो चलिए, चलते हैं उस लोकेशन की तरफ जो मैंने ढूंढा है। तो चलिए, इस प्यारे से लोकेशन के साथ मैं आप सभी को अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ कि मैं कौन हूँ, कहाँ से हूँ और क्या करता हूँ। तो सबसे पहले मैं अपने नाम से शुरू करता हूँ। तो मेरा नाम है MD साबिर अशरफी और मैं एक स्टूडेंट हूँ। मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुका है और आगे की पढ़ाई जारी है। ब्लॉग और पढ़ाई के बीच नो कम्प्रोमाइज, ब्लॉग के टाइम पर ब्लॉग और पढ़ाई के टाइम पर पढ़ाई। इसके अलावा आई एम फ्रॉम बिहार भागलपुर, मैं भागलपुर से बिलोंग करता हूँ। और ये जो हमारा स्टेट है बिहार, यहाँ के कल्चर, यहाँ के रहन सहन, यहाँ के लोग, यहाँ की विचारधारा बहुत ही अच्छे हैं। और ये जो हमारा शहर भागलपुर है, यह बहुत ही प्राचीन शहर है जो अपने रेशम वस्त्र उत्पाद के लिए पूरे भारत में सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है। और यहाँ की भागलपुरी सिल्क साड़ी और भागलपुरी चादर बहुत ही ज़्यादा फेमस है, और यही कारण है जो मुझे यहाँ लेकर आई है। मैं भागलपुर शहर की जो प्राचीन जगह है वो मैं आप सभी को अपने आने वाले ब्लॉग में दिखाऊंगा। तो जो कुछ मुझे अपने और अपने शहर के बारे में पता था वो मैंने आप सभी को बता दिया है। तो चलिए, चलते हैं, आप सभी को मैं अपना बस्ती दिखा देता हूँ। ऐसी जिंदगी हम छिप छिपाए, हम ना आए 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 हम ना आए, ऐसी जी छिप छिपाए, ऐसी जी हम ना पाए। तो सो गाइस, आज के ब्लॉग को हम लोग यहीं तक रखते हैं, और मुझे पता चल गया है कि एक ब्लॉगर की लाइफ क्या होती है। एक टेक के लिए काफ़ी ज़्यादा रीटेक लेने पड़ते हैं, और जो मैं ये शूट कर रहा हूँ इसके लिए भी मैंने 5 से 6 टेक लिए हैं, क्योंकि बोलना क्या रहता है, कैमरे के सामने आने के बाद सब कुछ दिमाग से निकल जाता है और कुछ समझ नहीं आता है कि क्या बोलें। और इस ब्लॉग के लिए मैंने स्क्रिप्ट तो तैयार किया था, लेकिन जैसे ही कैमरे के सामने आया सब कुछ मिट्टी में मिल गया और मुझे कुछ समझ नहीं आया कि क्या बोलना है। लेकिन फिर से मैं कैमरे के सामने आया और जो मन में आया मैं वो बोलता गया और इस ब्लॉग को कंप्लीट किया।